नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक ट्रेडर क्या चाहता है। कोई भी ट्रेडर जब ट्रेडिंग में आता है तो उसका इच्छा क्या होता है। जी हाँ, और इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ और अभी भी गुजर रहा हूँ। लेकिन इस ट्रेडिंग के पीछे क्या काला सच है, उसे मैं ढूंढने पर भी ढूंढ नहीं पाता हूँ। इसमें डिमेरिट नहीं ढूंढ पाता हूँ और सिर्फ मेरिट ही नजर आता है, मतलब इसमें सिर्फ खूबियां ही नजर आता है और इसमें कोई भी अखूबियां नजर नहीं आता है। क्योंकि मैं सामने देख रहा हूं और जज कर रहा हूं और रियल में देख रहा हूं कि लोग लाखों रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं। जी हां, करोड़ों रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं, ये सामने अपने आंखों से देख रहा हूं कि प्रॉफिट कर रहे हैं। जी हां, और हर ट्रेडर का यही व्यू होता है कि देखो अगला व्यक्ति इतना इतना लाख रुपया कमा रहा है, हर दिन हर घंटे हर सेकेंड वो कमा रहा है और ये हकीकत है। लेकिन फ्रेंड्स, ये मैं बात बता दूं कि ए मैं देखना भूल जाता हूं कि आखिर वो लाख रुपया कमाया है तो उसके पीछे कितने का उसका इन्वेस्टमेंट है। छोटे ट्रेडर हम और आप जैसे जो वीडियो देख रहे हैं, उन सभी का इतना बड़ा औकात ही नहीं होता कि उतना इन्वेस्ट कर सके, और गलती से अगर कहीं से इधर उधर से इकट्ठा करके इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा 101% फिक्स है कि वो पैसा घूम फिर के उन्हीं ट्रेडर के पास जाएगा जो अभी वो मोटा कमा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सारा गेम है साइकोलॉजी का। जी हाँ, ये सारा गेम साइकोलॉजी का है, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा किसी दिन नहीं होता कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं करता हूँ। हर दिन प्रॉफिट करता हूँ, लेकिन लास्ट डे इंड तक, मतलब कि 9:25 से 3:50 तक वो सारा लॉस, उस सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। न कोशिश करते हुए भी वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं बहुत अपने दिमाग लगाता हूँ, कई बार तो ऐसा होता है कि अपने आप को इतना गालियाँ देता हूँ, अपने आप का गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता हूँ कि आप सुनिएगा तो खुद शर्मिंदा हो जाइएगा। इसके बावजूद भी अपने माइंड पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और आई होप, चूंकि मैं बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ, तो जो छोटे ट्रेडर आप जैसे मेरे जैसे और जो नए नए ट्रेडर आते हैं वो सब कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि हम ही लोगों का, जो छोटे छोटे ट्रेडर का है, 500, 1000, 10000 जो पैसे लेके आते हैं, 20000, 50000 जो लेके आते हैं, वही सारे पैसे जो होते हैं वो सब पैसे बड़े बड़े ट्रेडर के पास कन्वर्ट होकर चले जाते हैं। क्योंकि छोटे ट्रेडर जो होते हैं बल्क में होते हैं, करीब अगर 99% छोटे ट्रेडर होते हैं तो मात्र 1% ऐसे बड़े ट्रेडर होते हैं जिनके पास सारा पैसे चले जाते हैं छोटे छोटे ट्रेडर के पास। जी हाँ, तो मैं कहना यही चाहूंगा कि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, ट्रेडर बनना चाहते हैं, शुरू में एकदम छोटे क्वांटिटी से करें और एक लोट में काम करें और दो ट्रेड से दिन में ज्यादा न लें, प्रॉफिट या लॉस हो दो से ज्यादा न लें। क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग ऐसा है ना, ये दिमाग की तरह है, ओवर ट्रेडिंग दिमाग की तरह है। देखिए, आप नॉर्मल सी बात है, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं और एक लॉट से वर्क कर रहे हैं, एक लॉट से काम कर रहे हैं और दिन भर में अगर आप 10 बार ट्रेड लें, यानी 20 बार, कई बार विश्वास कीजिएगा, मैं तो ऐसा दिन भी देखा हूं कि जिस दिन 60 ट्रेड ले लिया हूं एक एक लोट से। अब सोचिए फ्रेंड्स कि 60 लोट लेते हैं, एक 60 बार लेता हूं एक एक लोट से, अब उसको 60 को कन्वर्ट कर दीजिए 70 से, 600 के 36, 60 × 60 यानी 3600 रुपया हो गया, और प्लस 70 यानी करीब 4000 हम सिर्फ ब्रोकरेज दिए हैं। यानी फ्रेंड्स, बात करें कि हम 8-10 हजार रुपया लगाए हैं जिसमें से करीब 4000 रुपया सिर्फ हम ब्रोकरेज दे दिए, वहां पे अगर गलती से प्रॉफिट भी 1500 रुपया हो गया लेकिन ब्रोकरेज कितना चला गया। इसीलिए मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग ना करूं, ज्यादा ट्रेडिंग ना करूं, लेकिन इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता। किसी न किसी वजह से, किसी न किसी होप से, किसी न किसी कुछ न कुछ आशा से ओवर ट्रेडिंग हो ही जाता है। मैं बहुत, मतलब कि ओवर ट्रेडिंग करने के बाद मैं अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता हूँ, बहुत मतलब ताना देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जब मुझसे कंट्रोल नहीं होता तो जो नए ट्रेडर आते होंगे उनसे कैसे कंट्रोल होता होगा, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करते होंगे, वो कितने मतलब लॉसेस करते होंगे, यही मैं सोचते रहता हूँ, और सोचने के बावजूद भी मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आई होप फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो देखे होंगे, और देखने के बाद प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मुझे ब्लेसिंग दीजिए फ्रेंड्स कि मैं अपने माइंड का, अपने दिमाग का, साइकोलॉजी को ठीक कर सकूँ और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकूं। क्योंकि अब
ये पोस्टपोन ही नहीं है कि मैं छोड़ सकूं, छोड़ने के बाद मैं करूंगा क्या, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इस फील्ड में हूं और कुछ हद तक नॉलेज हो गया, लेकिन एक ही चीज में मैं मार खा जाता हूं, ओवर ट्रेडिंग में, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं हो पा रहा, बाकी सब कुछ थोड़ा बहुत मुझे मतलब कि लिटिल बिट 5 से 10% 1% समझ में आ गया कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग किया जाता है, लेकिन यही ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैं मार खा रहा हूँ। दोस्तों आई होप आज का वीडियो यहीं तक, आज के वीडियो के लिए हमारे चैनल बने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।